नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे की सीरीज से पहले मैच में टीम इंडिया ने कर्नाटक की तेज गेंदबाज प्रथित कृष्णा और बड़ोदरा की ऑलराउंडर कृणाल पांड्या को प्लेइंग 11 में मौका दिया। ये प्रसिद्ध का पहला इंटरनेशनल मैच है। इन दोनों ने हाल ही में खत्म हुए घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया था। इसी के आधार पर दोनों को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में चुना गया था। कृणाल को छोटे भाई हार्दिक पांड्या ने वनडे की डेब्यू कैप सौंपी। बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मैच में कृणाल पांड्या और प्रसिद्ध कृष्णा टीम की तरफ से डेब्यू कर रहे हैं। कृणाल को भाई हार्दिक पांड्या ने वनडे कैप थमाई, जबकि कृष्णा को हेड कोच रवि शास्त्री ने कैप दी। अपने भाई से कैप मिलने के बाद कृणाल भावुक हो गए और उन्होंने कैप को आसमान की तरफ दिखाते हुए अपने पिता को याद किया। उनके पिता हिमांशु पांड्या की मौत इसी साल जनवरी में हुई थी। हार्दिक और कृणाल दोनों पिता के बहुत करीब थे। इसी दौरान हार्दिक उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। इसी बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने कृणाल की फोटो को शेयर करके एक खास मैसेज लिखा। वसीम जाफर ने कृणाल पांड्या की इमोशनल फोटो को शेयर करते हुए लिखा, मेरी आंखों में कुछ है। बता दें कि कृणाल के पिता का जनवरी में निधन हो गया था, जिसके बाद हार्दिक और कृणाल ने अपने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया था। कृणाल पांड्या ने घरेलू क्रिकेट में अपने ऑलराउंडर खेल से धूम मचाई थी और 5 मुकाबलों में 129.33 की लाजवाब औसत से 388 रन बनाए थे। बल्ले के साथ साथ कृणाल गेंद से भी काफी कारगर साबित हुए थे। तो वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने विजय हजारे के 7 मैचों में कुल 14 विकेट झटके थे और वो काफी किफायती भी रहे थे। आईपीएल में भी कृष्णा का प्रदर्शन कोलकाता नाइट राइडर के लिए काफी शानदार रहा था। बताते T20 सीरीज में लगातार खराब फॉर्म से जूझते नजर आए केएल राहुल को पहले वनडे में प्लेइंग 11 में जगह दी गई है, जबकि टेस्ट और T20 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले ऋषभ पंत को पहले मुकाबले के लिए टीम में नहीं रखा गया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पर इंडिया।